एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसका ओरिजिन देंगे, इसका फंक्शन और इसके कौन कौन से मिशंस डिप्लॉयड है उनको देखेंगे, इसका गवर्नेंस कैसे होता है, कौन कौन से प्रोग्राम से चलाता है, न्यूज़ में क्यों है, इंडिया के साथ क्या एसोसिएशन, इसकी मेंबरशिप क्या है, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? इट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग मिलिट्री यूजेस के लिए ना हो इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन 29 जुलाई 1957। अब चूंकि ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना है तो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर ये नहीं आता, इंडिपेंडेंटली काम करता है। बट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को। तो चार्टर मतलब कि IAEA के प्रिंसिपल्स कहाँ के लिखे हुए हैं? IAEA के स्टेट्यूट में लिखे हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंदर ये नहीं है, बट ये रिपोर्टिंग है इसकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में, और इसके दो रीजनल सेफगार्ड ऑफिस है, एक है टोरंटो कनाडा में और एक है टोक्यो जापान में। इसके दो लायजन ऑफिस है, एक न्यूयॉर्क सिटी USA में और एक जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर्स हैं साइबर्स डॉफ ऑस्ट्रिया में और मोनाको में और ट्रिएस्टिया इटली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं बोलूँगा इनको, हाँ हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा कि वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के अंदर तो नहीं है, बट हाँ रिपोर्टिंग है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, तो अगर आप इनफॉर्मली बोलो तो अम्ब्रेला के अंदर आता है। कैसे काम करता है? तो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी अलग अलग कंट्रीज मेंबर हैं IAEA की, और इस इंटर गवर्नमेंटल फोरम में ये कंपनीज बैठ के साइंटिफिक कोऑपरेशन करती हैं और टेक्निकल कोऑपरेशन करती हैं। किस चीज़ पे? कि भैया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो IAEA इनक्रेज करता है डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर मटेरियल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, इंटरनेशनल सेफगार्ड्स, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग मिलिट्री पर्पजेस के लिए ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए ना हो, ये आपका एम है IAEA का, पीसफुल यूज हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग अगर आप बिजली बनाने के लिए कर रहे हो ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग अगर आप मेडिकल में कैंसर के इलाज के लिए, लोगों के अंदर बीमारियां ढूंढने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इन सब तरीके की चीज़ों के लिए कर रहे हो, सर्वे के लिए, सीज़मिक स्टडीज के लिए, तो ठीक है, लेकिन मिलिट्री पर्पजेस के लिए कर रहे हैं तो गलत है। IAEA के काम को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था 7 अक्टूबर 2005 को। तो IAEA और इसके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल बरादाई को 7 अक्टूबर 2005 को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। राफेल ग्रॉसी अभी के लिए इसके डायरेक्टर जनरल हैं। राफेल ग्रॉसी 2019 में इसके डायरेक्टर जनरल बने, क्योंकि जो पहले के डायरेक्टर जनरल थे यूकिया अमानो, उनकी मृत्यु हो गई जुलाई 2019 में। फिर बात की जाए दोस्तों, IAEA बना कब? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 1953 में उस समय के जो US प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर, उन्होंने खड़े होकर लेक्चर दिया और उन्होंने बोला कि देखिए ये एटॉमिक पावर है, इस एटॉमिक पावर के चलते इतनी प्रॉब्लम हो रही। देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA के बाद सोवियत यूनियन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, कोल्ड वॉर छिड़ गया। हालांकि कोल्ड वॉर इंटेंसीफाई बाद में हुआ था, बट 1953 में ही ड्वाइट डी आइजनहावर ने इस चीज़ को एसेस कर लिया कि आगे आने वाले समय में ये जो न्यूक्लियर पावर है ना, ये डेंजरस हो सकती है। खासकर USA के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई थी कि जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो 1945 में आपको हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की क्या जरूरत थी, बट फिर भी आपने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। तो यहाँ पे ड्वाइट डी आइजनहावर क्या बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर हो इसके लिए हम लोग एक अलग से इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं। तो 1953 में ड्वाइट डी आइजनहावर ने आइडिया दिया कि न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर को रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, पीसफुल यूज प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं। सितंबर 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जनरल असेंबली को फिर से प्रपोज किया कि एक इंटरनेशनल एजेंसी बनाते हैं जो कि फिसाइल मटेरियल को कंट्रोल करेगी, इसी फिसाइल मटेरियल से न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। और ये जो इंटरनेशनल बॉडी होगी वो एक न्यूक्लियर बैंक बनाएगी जहाँ पे
न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स को रखा जाएगा और उनको पीसफुल पर्पसेस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पसेस के लिए डेवलप किया जाएगा। फिसाइल मटेरियल क्या होता है? फिसाइल मटेरियल होता है एक ऐसा मटेरियल जो कि कैपेबल है ऑफ सस्टेनिंग अ न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। देखिए, जब एक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। तो होता यह है दोस्तों कि एक न्यूक्लियर फिसाइल चेन रिएक्शन कैसे चलती है। एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि एक फ्यूल रखा है, न्यूक्लियर फ्यूल। इस न्यूक्लियर फ्यूल पे मान लीजिए आपने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, तो एक छोटा सा एटम फटेगा, उसके अंदर से एक और न्यूट्रॉन निकलेगा, वो फिर फ्यूल को मारेगा, फिर एक और न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर फ्यूल को मारेगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, फिर वो फ्यूल को मार रहे हैं। तो ओवरऑल एक चेन रिएक्शन सी बनती जा रही है, इसको बोला जा रहा है फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप एक बार जला दो तो फिर वो अपने जलने को सेल्फ सस्टेन कर लेता है, मतलब वो जलता ही चला जाता है, एक चेन रिएक्शन सी बन जाती है, इसको बोला जाता है फिसाइल मटेरियल। और फिसाइल मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल होता है क्योंकि इसमें ताकत है कि भाई ये अपनी चेन रिएक्शन को सस्टेन करता जाएगा और एंड में बहुत डेडली बन जाएगा। तो फिसाइल मटेरियल के रेगुलेशन के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी बनाई जानी चाहिए। अब IAEA के फंक्शंस की बात की जाए तो ये करता क्या है? तो ये रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सजेस्ट करता है, किसका? पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, सेफगार्ड्स को लेके आना और इस बात को इंश्योर करना कि जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल पे, उसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल ना करके अच्छे पर्पसेस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर वो कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है या किसी दूसरी इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है जो फिसाइल मटेरियल को कंट्रोल करती है, तो उन कंट्रीज में कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट करना, ये काम है IAEA का। तो उन कंट्रीज के जो भी आप कह सकते हो कि सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर रेगुलरली विजिट करना। अभी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। ज़्यादातर आजकल दुनिया के देश कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल्स का प्रयोग करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, बिजली प्रोड्यूस कर सके। तो अब जर्मनी जैसी कंट्री है, वहाँ पर बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, बट क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं जर्मनी जैसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, वो न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करे, ये इंश्योर करना काम है IAEA को, केवल जर्मनी नहीं दुनिया भर की सारी कंट्रीज में। तो बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तीन मेन पर्पज हैं, पीसफुल यूजेस, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, सेफगार्ड्स, भैया न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पजेस के लिए कहीं ना इस्तेमाल किया जाने लगे, न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर मतलब जहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है या जैसे भी आप न्यूक्लियर मटेरियल्स की हैंडलिंग कर रहे हो उसको सेफली करिए, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो गवर्नेंस है वो दो बॉडीज़ के थ्रू होता है। एक होती है जनरल कॉन्फ्रेंस जिसमें सारी मेंबर कंट्रीज है IAEA की, हर साल एक बार एनुअल सेशन में मिलते हैं, इनका एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस सेप्टेम्बर में होता है। दूसरी बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसमें 35 मेंबर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नॉर्मल कर एक साल में 5 बार मिलते हैं। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करते हैं? इट एग्जामिन्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बजट। तो देखिए, ओवरऑल मेंबरशिप की बात की जाए तो वो जनरल कॉन्फ्रेंस है। जनरल कॉन्फ्रेंस में से इंपॉर्टेंट 35 मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया, ये 35 मेंबर बजट को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, IAEA कैसे काम करेगा इसको लेके की डिसीजंस बनाते हैं, की प्रपोजल्स बनाते हैं और उन प्रपोजल्स को जनरल कॉन्फ्रेंस के सामने अप्रूवल के लिए रखते हैं। फिर ये जो बोर्ड है वो और भी बहुत से काम करता है। तो मेंबरशिप एप्लीकेशंस, कोई IAEA का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी मेंबरशिप एप्लीकेशन को वेट करना, सेफगार्ड एग्रीमेंट्स को अप्रूव करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स IAEA को रेगुलरली पब्लिश करना, IAEA के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, हालांकि डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट में जनरल कॉन्फ्रेंस का अप्रूवल भी ज़रूरी है। फिर IAEA का एक सचिवालय भी है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ भी है, जहाँ पे उसके सारे मेंबर्स, उसके सारे एम्प्लॉयज़ बैठ के काम करते हैं सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर्स में, जिसके रीजनल ऑफिस भी हैं। फिर बात की जाए IAEA के प्रोग्राम, तो प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी पैक्ट, तो भैया इस पैक्ट को बनाया गया था IAEA के द्वारा 2004 में, दुनिया भर की कंट्रीज़ में रेडिएशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करके कैंसर केयर कैपेसिटी और सर्विसेज को कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल तरीके से दुनिया भर में बढ़ाया जाए, कैंसर सर्वेलेंस किया जाए, पैलिएटिव केयर एक्टिविटीज़ की जाए इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ WHO, ये काम है आपका IAEA का। ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, तो भैया
कैंसर एक अकेली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, और भी बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जिसमें खासकर ये जो रेडिएशन वाली एलिमेंट्स होते हैं, इनका प्रयोग करके आप उस डिजीज का डायग्नोसिस करिए और उसके बाद उसको क्योर करिए। तो बेसिकली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है IAEA के अंदर, जिसमें डायग्नोसिस, फॉलोअप, न्यूट्रिशन, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। फिर आगे बात की जाए तो भैया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ह्यूमन वेलबींग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गुड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी लिविंग को प्रमोट करने के लिए, बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए काम करता है आपका ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं बीमारी को एक एडवांस्ड स्टेज पे पकड़ के उसको शुरुआत में ख़त्म कर दो, ताकि जो लोग हैं वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें, इस चीज़ को ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू टैकल करने की कोशिश करता है IAEA। तो फिर और किस किस चीज़ पे टैकल करता है IAEA? तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड ओबेसिटी, मैटरनल एंड एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, डाइट क्वालिटी, न्यूट्रिशन एंड एजिंग, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। आप बोलोगे कि भैया एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का इस चीज़ों में कैसे प्रयोग होता है? होता है दोस्तों, मेडिकल साइंस में ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है ना, जो न्यूक्लियर आइसोटोप्स है ना, इसका यूसेज बहुत हायर लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ कैंसर की बात नहीं, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे जो हायर लेवल का डायबिटीज़ हो गया, या आँखों का ट्रीटमेंट हो गया, या जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, उनके एक्सेस फैट को निकालने का ऑपरेशन हो गया, इन सब चीज़ों में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्थ केयर में और आपकी ह्यूमन हेल्थ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए IAEA एक मेजर रोल प्ले करता है। और इसका मेजर रोल इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि वाटर अवेलेबिलिटी को रेडिएशन थेरेपी के थ्रू पता करना ये भी करता है IAEA। वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, इसको 2010 में सेटअप किया गया था। ये वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बनाया था, ताकि मेंबर स्टेट्स की मदद की जा सके, ताकि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में वो पहली बात तो पता कर सके, और उसके बाद उसको साइंस बेस्ड तरीके से इस्तेमाल कर सके। बेसिकली एक देश में कितने नेशनल वाटर रिसोर्सेज हैं, उसका कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करने में ये IAEA का वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंट्रीज की मदद करता था। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है 2000 का इनप्रो प्रोग्राम, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल। इसको 2000 में बनाया गया था टू हेल्प इंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज अवेलेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मीटिंग द एनर्जी डिमांड्स ऑफ 21st सेंचुरी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन अ सस्टेनेबल मैनर। 21वीं शताब्दी में न्यूक्लियर एनर्जी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, यह काम है इनप्रो का, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल का। तो इनप्रो के कोलेबोरेशन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वर्कशॉप होती है, मीटिंग्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से काम होता है। बस इनप्रो याद रखो, हो सके तो उसका फुल फॉर्म याद रखो, चीज़ें ठीक रहेंगी। IAEA इसलिए भी न्यूज़ में रहा है दोस्तों कि देखिए, 2015 में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था ईरान के साथ, किसका US, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, P5+1 का। P5 तो 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, +1 यानी जर्मनी। तो इन 6 पार्टनर्स ने मिलके ईरान के साथ एक प्लान साइन किया कि आप अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंदर लेके आएंगे, और आप अपने यहाँ अब मैक्सिमम स्टॉक पाइल कितना रखेंगे फिजाइल मटेरियल का, 202.8 किलोग्राम। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ख़त्म कर दिया, और बाद में ये रिपोर्ट निकल के आई है IAEA की कि ईरान अपने स्टॉक पाइल को बढ़ा रहा है। एक मेटल डिस्क टाइप की, यूरेनियम मेटल डिस्क थी, ईरान डेवलप कर रहा है। कहीं ना कहीं ईरान का जो स्टॉक पाइल है, सुनने में आ रहा है कि 1572 किलोग्राम्स पहुंच चुका है, जो कि अपर लिमिट है 202.8 से बहुत ज़्यादा है। तो 2015 के न्यूक्लियर अकॉर्ड में 202.8 किलोग्राम अपर लिमिट थी, अभी ईरान के पास स्टॉक पाइल एनरिच्ड यूरेनियम का कितना हो गया है, 1572 किलोग्राम, जो कि डेंजरस है। अब ईरान की भी इसमें गलती नहीं है, ईरान को जॉइंट प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में बोला गया था कि आपके ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे, आपकी इकोनॉमी खुलेगी, आप इकोनॉमिकली ग्रो करोगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी, उन्होंने पूरा का पूरा एग्रीमेंट विदड्रॉ कर लिया। तो ईरान के सामने भी ऑप्शन नहीं बना, उन्होंने बोला चलो कुछ और नहीं हो रहा, सैंक्शन नहीं हट रहे हैं, तो कम से कम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना प्रेजेंटली
ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको कुछ और 3 से 5 महीने तक एनरिच करने के बाद, जो कि अब तक कर ही चुका होगा ईरान, वो एक बॉम्ब लाइक मटेरियल बना सकते हैं, एक बॉम्ब लाइक उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ सकती है ईरान के पास। इंडिया की बात की जाए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। 2019 में इंडिया ने अपने 26 रिएक्टर्स को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड के अंदर रखा है। जनवरी 2020 में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रेनेट रिस्पॉन्स एंड असिस्टेंस नेटवर्क। ये क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट प्रोवाइड असिस्टेंस टू रिड्यूस द कंसीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी। तो किसी देश में न्यूक्लियर या रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी आ जाती है तो ये ग्रुप उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा। इंडिया में आ जाती तो इंडिया को भी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 2014 में इंडिया ने एक और एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया था IAEA का, चूंकि 2014 के लगभग ही इंडिया और US की सिविल न्यूक्लियर डील, वैसे तो सिविल न्यूक्लियर डील 2008-09 में ही हो गई थी, बट कहीं ना कहीं बाद में US सिविल न्यूक्लियर डील के अंदर एक एडिशनल प्रोटोकॉल था IAEA का, जिसको इंडिया ने साइन किया, जिसके चलते IAEA के साइंटिस्ट को इंडिया के सिविलियन एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर और आप कह सकते हो विजिल रखने की परमिशन दी गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडिया के सिविलियन रिएक्टर्स आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना वो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर नहीं आते। अगर किसी कंट्री को इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना है तो वो रिटर्न में डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA को इन्फॉर्म करेगा कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। डायरेक्टर जनरल उस एप्लीकेशन को बोर्ड के पास फॉरवर्ड करेगा, बोर्ड अगर अप्रूवल को रिकमेंड कर देता है तो फिर वो एप्लीकेशन जनरल कॉन्फ्रेंस के पास जाएगी, जनरल कॉन्फ्रेंस अगर उसको अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद उस कंट्री से बोला जाएगा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जमा करिए, जिसमें आप ये बोलेंगे कि आप IAEA के स्टेट्यूट को मान रहे हैं, और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद उसको मेंबर मान लिया जाता है, किसके साथ? एक्सेप्टेंस लेटर के साथ। तो एक एक्सेप्टेंस लेटर डिपॉजिट किया जाता है जिसके बाद वो मेंबर IAEA का मेंबर बन जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करिए। आप इंडिया को देखिए, इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन ये दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मेंबर है। ये जो ग्रीन ग्रीन रंग की पूरी दुनिया दिख रही है ना, ये मेंबर स्टेट्स हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। कुछ ही मेंबर स्टेट्स आपको इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया। यहां पे नॉर्थ कोरिया पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर था, बाद में उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।